नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तिका, आप सभी को मेरे चैनल बेसिक शिक्षा पर फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑन द माउंटेन, विच इज़ रिटन बाय डस्किन बॉन्ड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। विष्णु लिव्स विथ हिज यंगर सिस्टर एंड मदर इन ए वेरी स्मॉल विलेज ऑफ थेरी घरवाल। मतलब थेरी घरवाल के एक छोटे से गांव में विष्णु अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता है। सिंस द माउंटेन्स हैव रिसीव्ड स्कैंटी रेनफॉल एंड बेयर मिनिमम स्नोफॉल लास्ट ईयर, As a result, orchards of fruit and farming in the field have yielded minimum output. मतलब पिछले साल पहाड़ में कम बारिश और बर्फबारी होने के कारण खेत में फल और खेती के बागों में सबसे कम उत्पादन हुआ है। The streams and river that descend from the peaks are shallow and dry, so villagers are facing the problems of inadequate ration and fail to obtain any income from the farming related chores. मतलब जो जलधारा और नदियाँ चोटी से उतरती है, पहाड़ के ऊपरी भाग को चोटी बोलते हैं, वे सब सूख जाती है, जिसके कारण गांव के लोगों को राशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और खेतीबाड़ी से संबंधित काम से कोई कमाई करने में असफल हैं। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन, विष्णु गोज टू मसूरी मच अपोजिट टू हिज फैमिलीज विश। मतलब अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए विष्णु अपने परिवार के इच्छा के विरुद्ध मसूरी जाता है। सिंस समर इज़ ए हैप्पी टाइम इन मसूरी एंड द प्लेस इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द प्लेन एरिया। मतलब गर्मियों के दिन के लिए मसूरी एक बहुत अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए और वो जगह टूरिस्ट से फुल है। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स ही फाइंड ए जॉब इन ए सिनेमा हॉल एज ए टी सेलर ड्यूरिंग द इंटरवल। बहुत सारी कोशिशों के बाद विष्णु जो है उसे जॉब मिलता है। कहाँ पर? सिनेमा हॉल में, एज ए टी सेलर। मतलब वो चाय बेचने वाले का एक उसको जॉब मिलता है ड्यूरिंग द इंटरवल। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिल्म वगैरह देखने में जो इंटरवल आता है उसके अंदर जो चाय वगैरह और टिफ़िन वगैरह बेचते रहते हैं, स्नैक्स वगैरह बेचते रहते हैं, उसी टाइप का एक टी सेलर भी है और विष्णु को वो जॉब मिला है सिनेमा हॉल में। देयर ही मीट्स टू अदर बॉयज, चित्रु एंड बाली। विष्णु वहाँ पर दो और लड़कों को मिलता है, एक का नाम चित्रु है, दूसरा का नाम बाली है। दे ऑल बिकम फ्रेंड्स एंड वर्क एज पर द ऑर्डर्स। वो सब दोस्त बन जाते हैं और अपने ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। हाउएवर चित्रु एंड विष्णु बिकम क्लोज फ्रेंड्स एज दे स्लीप इन ए कॉरिडोर एट नाइट एंड ब्रेव द चिल नाइट ब्रीज दैट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स। मतलब हालांकि विष्णु और चित्रु करीबी दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वे रात में गलियारे में सोते हैं और पहाड़ों से आने वाली सर्द रात की हवा को बहादुर करते हैं। यहाँ पर बहादुर करना मतलब वो लोग फेस करते हैं, वो सर्द वाली हवा को फेस करके सोते हैं। विष्णु इज़ सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क एंड लाइफ। मतलब विष्णु अपने काम और अपने जीवन से बहुत ही सेटिस्फाइड है, मतलब बहुत ही खुश है। However, September approaches, the cinema hall shuts down for winter. जब September आ जाता है, मतलब winter का महीना आ जाता है, तो cinema hall बंद हो जाता है। Bali moves to Delhi for work, while Chitru and Vishnu goes to a mine site in the hope of getting work. Bali जो है वो दिल्ली चला जाता है काम के लिए और चित्रु और विष्णु है जो है वो माइन साइट पर जाते हैं इन द होप ऑफ गेटिंग वर्क, काम की आशा में जाते हैं। देयर्स अ कॉन्ट्रैक्टर कीप चित्रु फॉर द वर्क बट रिजेक्ट्स विष्णु ऑन अकाउंट ऑफ अंडर एज। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है माइन का, वो चित्रु को काम पे रख लेता है और विष्णु को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अंडर एज है, मतलब माइनर है, 18 एज से अंडर है, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग द प्लीट ऑफ हिज फेथ, मतलब उसके भाग्य की दुर्दशा को समझकर
प्रीतम एक सिख ट्रक ओनर, मतलब प्रीतम जो है एक सिख ट्रक का मालिक है, टेक्स विष्णु एज ए क्लीनर ऑन हिज ट्रक। विष्णु को वो अपने ट्रक में क्लीनर की जैसा रख लेता है, मतलब जो सफाई वाला होता है ट्रक साफ करने के लिए, जो सफाई वाला होता है उस हिसाब से विष्णु को वो रख लेता है। विष्णु रिसीव्स गुड सैलरी फ्रॉम हिम एंड दे बिकम गुड फ्रेंड्स। विष्णु जो है उसको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है प्रीतम से और वे लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दे वर्क फॉर द माइन साइट वेयर डिफॉरेस्टेशन एंड ब्लास्टिंग ऑफ माउंटेन आर कॉमन फॉर जनरेटिंग लाइम पाउडर। मतलब उन्होंने खदान स्थल के लिए काम किया। खदान स्थल मतलब जिस एरिया में माइनिंग का काम होता है वहाँ से कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स और जियोग्राफिकल मिनरल्स अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसी जगह को हम लोग खदान स्थल बोलते हैं, जहाँ चूने की पाउडर के उत्पादन के लिए वनों की कटाई और पहाड़ों का विस्फोट आम बात है। हाउएवर विष्णु फील सीकनिंग at the sight of mountains losing their green shine and becoming dusty like plain areas। मतलब जब विष्णु ने देखा कि पहाड़ों का हरे रंग का चमक खो रहा है और खाली मैदानों में धूल भरा हो गया है तो विष्णु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। One day in an attempt to save a mule being crushed under the truck topples and goes rolling down in a valley until it stopped by a strong tree। मतलब एक दिन एक खच्चर को ट्रक के नीचे कुचले जाने से बचाने के प्रयास में ट्रक नीचे चला जाता है और एक घाटी में लुढ़क जाता है, जब तक कि वो एक मजबूत पेड़ से टकराकर रुक नहीं जाता। विष्णु एंड अदर लेबरर्स मैनेज टू एस्केप द एक्सीडेंट बट प्रीतम इज ब्रूटली वुंडेड। मतलब विष्णु और अन्य मजदूर दुर्घटना से बचने के लिए प्रयास करते हैं और बच भी जाते हैं, लेकिन प्रीतम जो है वो जोरों का घायल हो जाता है। इन द हॉस्पिटल विष्णु सेज इफ दे वर नॉट स्टॉप्ड बाय द ट्री दे वुड हैव डाइड बाय फॉलिंग इन द वैली। मतलब अस्पताल में विष्णु कहता है कि अगर उन्हें, मतलब ट्रक को, उस पेड़ से नहीं रोका जाता तो वे घाटी से गिरकर मर जाते। इन द एंड मतलब लास्ट में प्रीतम जो है वो डिसाइड करता है टू लिव विथ हिज सन एंड विष्णु गोज बैक टू हिज विलेज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड द नेचर अराउंड हिम। मतलब प्रीतम अपने बेटों के साथ रहने के लिए फैसला करता है, विष्णु अपने परिवार और अपने आसपास के प्रकृति का ध्यान रखने के लिए अपने गांव वापस चला जाता है। सो हियर द स्टोरी एंड्स। डस्ट ऑन द माउंटेन बाय रस्किन बॉन्ड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना व्यू देना ना भूलें। एंड तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।